दोस्तों महिंद्रा मैक्सिमो का रेडर है और ये लीक है देखो वहाँ से, और उसको हम बनाएंगे। और ये चोकअप भी हो चुका है, ये उसका फ़ैन है और इसके 10 के 2 बोल्ट होते हैं और नीचे एक गोलगुंडी लॉक की होती है, तीन जगह ही इसको फिटिंग होती है। और ऐसा घुमा के चेक कर लेना है कि फ़ैन जाम तो नहीं है कहीं, और ये फ़ैन फ्री है। और अब हम इसको खोलते हैं 10 के बोल्ट, और ये 10 के बोल्ट लूज़ कर दिए, और सामने से गार्ड होता है इसको, वो गार्ड भी खोलना होगा। ये देखिए रेडर नीचे एक लॉक पिन जैसी होती है जिसमें अंदर बैठा हुआ होता है, उसको निकालना होगा। ये देखिए उसको टेप लगा हुआ है, हम उसको टेप को निकाल के निकाल लेंगे उसको। साथ ही पहले गार्ड खोल लेते हैं, इससे सहूलत हो जाएंगी। 2 बोल्ट में होता है 10 के गार्ड, और वो गार्ड ये देखिए निकल चुका है। और अब फैन निकालना है, ये देखिए फैन को सामने स्टील टेप लगाया हुआ था, वो कुंडी को टाइट बैठना बोल के, और वो खोल देंगे हम उसको। ये देखिए हिला के निकालना है उसका अधर आराम से, ये निकल चुका है फैन। फैन तो फ्री है, फिर भी चेक कर रहे हैं बराबर। इसको रख देंगे बाजू, और ये देखिए यहाँ से लीक होता है इसका पानी दोनों तरफ से भी, हल्का सा डैमेज है अंदर से। हम उसको बंद कर देंगे और चोकअप भी निकालेंगे इसका। ये देखिए पानी इसी जगह से आता है, सामने बारीक छेद जैसा है, उसको एरोलॉइट लगा देंगे हम। और अब इसको खोलते हैं ऊपर का बॉटम टॉप वाला, देखिए बॉटम तो पट्टी हमने पूरे खोल लेने हैं पहले, फिर देखेंगे इसको खोल के पूरा। बॉटम तो लगभग खुल चुका है, अब इसको निकाल लेंगे कवर को अधर। देखिए कवर टेढ़ा करके निकालना होता है, ये कवर निकल चुका है। और अब इसके नाली देखिए कितने चोकअप हैं, इसमें से पानी कैसे पास होगा। देखिए इसमें 4-5 नाली ही चालू है, बाकी के सब चोकअप हो चुके हैं। देखिए इसमें कोई चांस नहीं है, पूरा भरा हुआ है सब। और अब हम इसको चोकअप निकाल लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे उसको कैसे गेज करें हमने। ये देखिए हमने चोकअप को साफ़ कर लिए केमिकल डालकर, और वो साफ़ हो चुके हैं सब नाली। और इसको आराम से ही गेज करना होता है, वरना रेटर डैमेज हो जाएंगे आपका। और हीटर अब साफ़ हो चुका है, अब टॉप बिठा देंगे हम इसको। हम रबर ट्यूब इसी के एनाबॉन्ड लगा कर हम इसको बिठा देंगे। इसको बिठाते टाइम याद रखिए कि कौन से साइड से मिनी फुल पाइप का होल है, और उसी साइड में इसको बिठाना है आपको बराबर।
अभी देखिए, अभी इसको हम प्रेस कर देंगे आराम से। रिबॉटम इसमें आ चुका है, उसको थोड़ा फटके दे के प्रेस करेंगे। देखिए ये इस तरह से अंदर इसको मारना है नीचे बराबर और प्रेस कर देना है। ये दोनों लीवर साइड से प्रेस हो जा रहे हैं। और अब इसको प्रेस कर दी हमने टॉप को पूरा। बोल के अब देखिए लॉक हो गए। और ये प्रेस हो चुका है पूरा। और अब हम इसको रबर ट्यूब लगा देंगे। रबर ट्यूब इसलिए चाहिए कि कुछ लीक ना हो। ये देखिए हम इसको इस तरह से ट्यूब लगा देंगे। जबकि प्रेस करने के बाद इसको रबर ट्यूब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों साइड से लगा देंगे पूरा बॉटम टॉप को पूरा। और काफ़ी बारिश भी चालू है, अभी थोड़ा खुल गया है पानी। इसके लिए स्लेटर को सेट होने में टाइम लगेगा, रबर एनाबाउंड को। पूरे बॉटम को हमने ट्यूब लगा चुके हैं। प्लीज देखिए अब इसको हम थोड़ा सेट होने देंगे और फिर फैन लगा देंगे हम इस पर। जो वो जगह है उसमें हम एयरलाइट भी लगा देंगे, मगर बाद में लगाएंगे सेट होने के बाद। ये देखिए फैन की फिटिंग। मम्मी पलट तो गई है। अरे फैन उसमें बिठा देंगे हम आराम से एकदम। अरे बैठ गया। इसके जो 10 के बोल्ट हैं वो भी लगा देंगे। और ये गार्ड भी लगा के हमने रेडी कर दिया। और ये सेट हो चुका है और अब हम इसको गाड़ी में बिठा देंगे ले जाकर। बारिश चालू है, वहाँ वीडियो नहीं बन सकता। इसके लिए नेक्स्ट टाइम आपको मैक्सिमो के रेडी ऑर्डर की शूटिंग भी बताऊंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर